ये मैं चाहती हूँ अनुराग भदौरिया इसका जवाब दे, लेकिन पंकज जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंकज जी, ये असल में खेल कांग्रेस वर्सेस सपा चल रहा है कि सपा ने जो खेल उनके साथ कर लिया है वहाँ उत्तर प्रदेश में, अब उसका बदला यहाँ लिया जाएगा, और अखिलेश भी पूरी तरह से तैयार है कि अब आ जाइए मैदान में, हो जाए 1-1। जो कुछ भी चल रहा है थोड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि तटस्थ होकर देखें तो महाराष्ट्र में जो सियासत का समूचा दृश्य इस बीच हम लोगों ने देखा वो सचमुच बहुत ही निराशाजनक रहा है, सत्ता पक्ष का भी और प्रतिपक्ष का भी। एक तरफ तो विपक्षी एकजुटता को हमने थोड़ा लीचड़ होते हुए देखा, थोड़ा ओछा होते हुए देखा, दूसरी तरफ हमने रूबिका जी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना में अपने अपने बेटे बेटियों को, पत्नियों, रिश्तेदारों को और तो और निजी सचिवों तक को टिकट दिलाने के लिए सबसे निचली पायदान तक उतरते हुए देखा है। तो जब पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है तो किस पे क्या तोहमत लगाएं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सीटों के बंटवारे की जो बेहूदी रस्साकशी देखने को मिली है उसके लिए मैं कांग्रेस को कम, उसके सहयोगी दलों को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। अच्छा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो एक दूसरे का साथ निभाने की अनिवार्यता हरियाणा के चुनावों के बाद समझ गए हैं, इसलिए महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को लेकर भी सीट बंटवारे में उन्होंने बहुत परिपक्वता से अपनी भूमिका निभाई। मगर सहयोगी जो दल हैं उन्होंने अशोभनीय और अमर्यादित कूद फांद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब आप देखिए ये बेनसीबी कि अपने लोहिया के अनुयायी और समाजवादी मूल्यों का जो रखवाला बताते हैं वो आज कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह ही नहीं होती है, राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। पर ये तो सच में बातचीत ऐसी हो रही है ना पंकज जी, जो तो आज बहुत अच्छा बोल रहे। ये जो आपने तोहमत लगाई है, अनुराग जी जवाब दीजिए, ये तहसीन पुनावाला के भाई शहजाद पुनावाला नहीं कह रहे हैं, ये आप ही के अपने साथी पंकज जी कह रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं। मुझे तो लगा तहसीन ही बोल रहा है। आप दो एंकर हैं क्या, बताइए फिर। दो एंकर तो मोदी किसका जवाब, कौन से एंकर का जवाब देना है? वो पंकज जी वाला, पंकज जी वाला जवाब देना। आप सुन लीजिए, देखिए सवाल ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत पता है क्या है, उनके अपने गिरवान में नहीं झांक रही है। निषाद पार्टी को एक सीट नहीं दी और निषाद वहां पे चार दिन तक उनके संजय निषाद पड़े रहे, उस पर चर्चा करने को तैयार है क्या? एक बार बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि पाला दूसरे की तरफ देखते हैं। देखिए इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, देखिए उन्होंने 9 सीट पे पूरे लड़ रहे हैं। भैया आपने निषाद पार्टी क्यों नहीं सीटें दी, वो तो बेचारे मांग रहे थे सीटें। अनुराग जी आपके बगल वाले पंकज शर्मा जो है, मेरी बात पूरी आप उन लोगों को विंडो पर रखोगे? अच्छा मैं बात पूरी होने देती हूं, बात पूरी होने देती हूं। में तो आपके परिवार के लोग बिजनेस चुनाव लड़ रहे हैं, रुदेश यादव, अरे उनको बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए। ये है, ये इसको बोलते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में। मैंने विपक्ष बोलना शुरू होता है तो वहां से एंकर और एंकर के साथ ही चिल्लाने लग शुरू कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैंने किसी बीच में नहीं बोला अभी। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अब मैं बोल लूं। देखिए सवाल ये है कि किस तरह से देखिए देश में हो रहा है भाई, बीजेपी के गठबंधन में धरा पूछा था हम लोग ऐसे डिबेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एंकरिंग करनी आप करिए, उनको करानी उनसे करा लीजिए, बगल में बैठकर कमेंट्री करेंगे। हम लोग यहाँ बोलने के लिए आए क्या? ये तो ठीक नहीं है, इसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम बोलते तो आप कहेंगे आवाज कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही तो दिक्कत है देश के अंदर में, सबसे बड़ी समस्या। चलिए सर, मैं अपना अपने मुंह पर पट्टी लगाइए, पट्टी एकदम बिल्कुल भी आप कुछ नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया बोलिए, आप दूसरों को जो गोली देते थे आज वो गोली आपको खुद को निगलनी पड़ी है। मुझे बोलने दीजिए, सबको आप सताते थे ना, आज मैंने जानबूझकर किसी को नहीं टोका कि जरा देखो ये आपकी गोली जो सबको देते हो आपके गले में उतरते हुए कितनी कड़वी लगती है। कितना दुख हुआ, कितना दुख हुआ अनुराग भदौरिया आपको, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। और ऐसे ही सबके बीच में आप जो टोका टाकी करते हैं तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? हम टोका टाकी कभी नहीं करते, हम ना गोली चलाते हैं। अभी मैं भेज दूंगी स्क्रीनशॉट, मेरे व्यूअर्स जो लिखकर भेज रहे हैं आपके बारे में, बहुत दुख होगा। धनतेरस के दिन मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। लाइव अगर मैंने भेज दिया ना कि लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। ये लोग नहीं है, ये व्यूअर है, ये दर्शक है, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इनको सर आंखों पर बिठाइए तो ये आपको सर आंखों पर बिठाएंगे। पंकज शर्मा वाला जाने में, आप जवाब दे दीजिए। आप दो रुपए वाले ट्रोलर के चक्कर में आप शर्म कीजिए, आपके व्यूअर्स को ये आप दंगा दे रहे हैं। व्यूअर नहीं है वो, हाँ आप नहीं डिसाइड करेंगे।
आपको शाहरुख खान कहेंगे तो वो आपके लड़ाकू योद्धा हो गए। निष्पक्ष बात करेगा। अब बात कीजिए, आप काम की बात कीजिए, आप काम की बात। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई वो अपने जो दरार है उनके अंदर में। मैंने पहले बोला निषाद पार्टी को एक सीट नहीं दी, चार सीट मांग रहे थे और निषाद पार्टी क्या कह रही थी कि हमारे चार सीटों पे मेरा हमारा दबदबा है, मुझे चार सीट चाहिए। उसपे किस तरह की बातें हुई आपने भी देखा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसपे नहीं बोलेंगे। क्या आप देखिए, अब अगर महाराष्ट्र में आप आ जाइए, महाराष्ट्र में देखिए इनके आपस में देखिए बीजेपी एनसीपी शिवसेना के अंदर में किस तरह से आपस में सीट शेयरिंग के लिए मारामारी चल रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन एक है, सुन लीजिए, एक है, मिलकर चुनाव लड़ेगा, एक है इंडिया गठबंधन। मैं भी नारा लगा रही हूं, कहां है ये एक इंडिया गठबंधन, किधर है भाई? मैं बाइनोक्युलर में दिख ही नहीं रहा मुझे अभी। अरे भाई अब हो गया, आपका 15 मिनट से बोल रहे हैं। रूबिका जी मैं बोलना चाहता हूँ 10 सेकंड। ये इनका इनका रोलर रुकता ही नहीं है, इनका आनंद दुबे जी को स्क्रीन पर लाइए, स्क्रीन पर लाइए आनंद दुबे जी। रूबिका जी क्योंकि विपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र खत्म है, मैं अपना पूरा समय अनुराग को दूंगा। पंकज शर्मा ने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लीजिए, बीजेपी कुछ नहीं बोली, पंकज शर्मा का जवाब दीजिए। दो विंडो में प्रोड्यूसर इन दोनों को डालना, मुझे बाहर रखना। आनंद जी नहीं नहीं पंकज जी का सवाल ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और अनुराग आकर बोल रहे हैं नहीं कांग्रेस हमारे साथ है। एंकर मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगी। इसका जवाब आनंद जी ना, इसका जवाब आनंद जी देंगे। आनंद जी आपने सुना पंकज जी ने कहा, आप लोग अपने एम्बिशन के लिए, लालच के लिए एक बड़ी पार्टी को मजबूर कर रहे हैं और इसीलिए इतने ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कौन, हम लोग मजबूर कर रहे हैं एक बड़ी पार्टी को? मैं समझा नहीं रूबिका जी, कौन मजबूर कर रहा है, किस बड़ी पार्टी को? नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और आप जो गुट है, अलग अलग शिंदे गुट है, शरद पवार गुट है, आप लोग ये उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, वो कह रहे हैं चलो लेट्स शेयर द सीट। कमाल करते हैं रूबिका जी, महाराष्ट्र में 288 में से 100 से ज्यादा सीटों पे तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो हम उन्हें कहाँ ब्लैकमेल कर रहे हैं भाई? हम तो साथ में हैं उनके, हम तो उनके सहयोगी हैं ना। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है या किसी विश्लेषण किसी विश्लेषक का है? तो ठीक है ना, विश्लेषक अपनी भावना प्रकट कर सकता है, विश्लेषक की एक भावना होती है। मिलकर सम्मानजनक सीटों पर लड़ती थी, 164 पर अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी तो 123-124 सीटें शिवसेना लड़ती थी। आज कांग्रेस के जाकर की क्या स्थिति हो गई? और एकनाथ शिंदे की जो नकली शिवसेना वो कितने पे लड़ रही है, जो शिंदे की नकली शिवसेना है वो कितने पे लड़ रही है भाई साहब? लेकिन देखिए आप कहां चले गए, उद्धव ठाकरे सत्ता के मोह में 100 सीटों पर भी नहीं लड़ पा रहे। अरे हम कहां चले गए, थोड़ी वो कहां चले गए, जो भारतीय जनता पार्टी का दावा करती थी वो नदिया के पार हो गए। लेकिन समीर जी वो सवाल पूछ रहे हैं, आनंद दुबे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है हम तो 100 के नीचे लड़ रहे हैं, वो कह रहे नकली शिंदे या नकली शिवसेना वो कितने पर लड़ी है बता दे। तो हमारे पास तो हेगड़े जी मौजूद हैं, हेगड़े जी बता दीजिए। वो कह रहे हैं हम गए, हम तो डूबे सनम, तुम्हारा क्या हाल है? देखिए हम आज भी 70 के ऊपर सीट्स पे लड़ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, 1987 से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में है, हिंदुत्व के नाम पे साथ में है। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर हम साथ में थे और 2019 में भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के बीच में गई। अभी उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाए, वही कांग्रेस जहां उनके पिताजी सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और ये लोग जाके वही कांग्रेस का जो बंद दुकान है महाराष्ट्र में उसको शुरू करके आ गए। बाला साहब की आत्मा को कितनी शांति मिलती होगी ये इससे ही इनको पूछ लीजिए, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं होगा। महाराष्ट्र की जनता को आपने 2019 सारा जवाब है हमारे पास, आप उनको करारा जवाब मिलेगा आपको, करारा जवाब कुछ नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता आपको करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि गए बार भी आपने उनको धोखा दिया,
उनका वोट हासिल करके आप कांग्रेस के साथ भाग गए, आप क्या करारा जवाब देंगे आप महाराष्ट्र की जनता को? आपको शर्म आना चाहिए ऐसा आप बात कर रहे तो। आप ये महाराष्ट्र की जनता आपको जवाब मिलेगा, आप क्या मुंह लेके महाजोगी सरकार को सामने और कहेंगे कि भाई हम हिंदुत्व पार्टी से, आपने जो सवाल पूछे वो जनता के मन में भी सवाल है, ठीक है? सेना बन गए हम, रुकिए 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 आनंद जी, मैं बहुत बेबाकी से और ईमानदारी से ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जितनी भी आम जनता ये डिबेट देख रही होगी, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होगी, वो बाला साहेब ठाकरे के उन बयानों को तो सुनी होगी जहां पर वो अग्रेशन में बोलते थे, सोनिया जी की हमेशा मुखालिफत करते थे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि मैं नहीं बोल सकती, हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से वो बार बार कांग्रेस को घेरते थे, आज उस कांग्रेस के साथ आप खड़े हैं, हाउ विल यू जस्टिफाई योरसेल्फ? अरे सावरकर का नाम लीजिए ना, स्वतंत्र वीर सावरकर का, हाँ मैंने पूछा सर, अब जवाब, अब जवाब, और मुझे चाहिए करारा जवाब। शांत शांत, नहीं रुपए का जी, शांत, स्वतंत्र वीर सावरकर इंदिरा गांधी जी के अपमान करते हैं कांग्रेस पार्टी, और ये जाके उनका गले मिलते हैं। कृष्णा जी आपने सारा आदरणीय इंदिरा गांधी जी से भाव वो समझ चुके हैं, आनंद जी आदरणीय इंदिरा गांधी जी से तो बड़े नेता कृष्णा हेगड़े जी नहीं है। इंदिरा गांधी जी जब कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी तो समय समय पर आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी उनका समर्थन करते थे, और उसके बाद जब आदरणीय प्रतिभा ताई पाटिल जी और आदरणीय 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 प्रणव दादा जी को कृष्णा जी बीच में नहीं, कृष्णा जी बीच में कूद रहे हो यार, आपका नाम इतना प्यारा है, कृष्णा नाम है, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, नतमस्तक होना पड़ता है यार, क्या गठबंधन भगवान का नाम है आपका, शांत वो इमरजेंसी में जी, रुक जाइए ना, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है जो आप सवाल का जवाब चाह रहे हैं, आनंद जी को बोलने दीजिए ना। ओके आनंद जी, शहजाद पुणे वाला स्क्रीन पर, और ये आखिरी 30 सेकंड है सर, प्रतिभा आदरणीय प्रतिभा आदरणीय प्रतिभा ताई पाटिल जी को समर्थन किया, आदरणीय प्रणव दादा मुखर्जी जी को समर्थन किया, एक बार मुरली देवड़ा जी महापौर का चुनाव लड़ रहे थे मुंबई में, तब उनको समर्थन दिया, तो समय समय पर हम उनको समर्थन करते रहे। और जब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं मेरी शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा, वो उस समय की वर्तमान स्थिति के तत्कालीन स्थिति के लिए कहा था, सीताराम केसरी जी उसके अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी बहुत सारे उसमें विवाद थे, कहा था आज के भाई, अब आनंद आपका नाम है तो आनंद लीजिए आप, विचारू ना आमच्या सोंडावाकडे झाला तो, कारण कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे हिजडे, कौन से परिप्रेक्ष्य में बोला था। और देखिए कांग्रेस की स्थिति ये है, ये है कांग्रेस, ये कंकाल दिख रही है आपको, ग्लास लेकर कंकाल बैठा है। 140 पे कांग्रेस लड़ती थी, मुख्यमंत्री बनाती थी, अब इन्होंने इसको चूस चूस के देखे क्या कर दिया कांग्रेस तो आपस का, आपस में लड़ेंगे के साथ में लड़ेंगे, और जनता किसे पसंद करेगी महाराष्ट्र के चुनाव, यकीन मानिए सबसे दिलचस्प होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धनतेरस की, आप सभी को एक बार फिर से खूब सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए न्यूज 18।